सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी न्यूज है आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप को लेकर के। आप सभी प्रशिक्षुओं को ये बात पता है, जितने भी प्रशिक्षु 2019 बैच से डीएलएड कर रहे हैं, आप सभी को पता है कि अगर देखा जाए तो आपका अब थर्ड सेमेस्टर खत्म हो चुका है। 6 फरवरी को ही आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इसी को लेकर के डायट मथुरा की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है और यह पत्र सभी निजी डीएलएड संस्थानों के, यानी कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं डीएलएड के, उनको जारी किया गया है और सभी कक्षा अध्यापक और प्रवक्ता जितने भी हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में, उनको भी यह जारी किया गया है। यानी कि देखा जाए तो ये डायट मथुरा की तरफ से जारी किया गया है और इसमें क्या विशेष बातें कही गई हैं आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप को लेकर के। दोस्तों, अभी तक मैं जितने भी प्रशिक्षुओं से हम लोग लगातार जितने भी आप लोग को जितने भी प्रशिक्षुओं को यहाँ पर जितने भी प्रशिक्षु 2019 बैच के हैं, जितनी भी न्यूज हम दे रहे हैं आप लोग को, अभी तक हम केवल थर्ड सेमेस्टर की न्यूज आप लोग को दे रहे थे, लेकिन डायट मथुरा की तरफ से पहली बार यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि उनकी तरफ से आप लोग के फोर्थ सेमेस्टर के इंटर्नशिप की बात की जा रही है। और यहाँ पर देखिए, फोर्थ सेमेस्टर की इंटर्नशिप के बारे में पूरी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, कैसे कैसे इंटर्नशिप होगा, कैसे कैसे आपको स्कूल में जाना है, सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो अभी तक जो मैं जान रही थी वो यही जान रही थी कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं की थर्ड सेमेस्टर की टीचिंग लगी है, लेकिन अब यहाँ पर देखिए फोर्थ सेमेस्टर की भी टीचिंग लगने की बात की गई है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर पूरी बात क्या कही गई है, चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ क्योंकि बहुत स्पष्ट आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए, विषय क्या है, डीएलएड बैच 2017 यानी कि 2017 बैच, 2018 बैच, 2019 बैच के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रशिक्षणरत अर्य प्रशिक्षुओं के इंटर्नशिप के संबंध में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इंटर्नशिप से अभिप्राय विद्यालय के सार्थक अनुभव अवसर को सुलभ कराना है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु द्वारा परिषदीय विद्यालय में एक निश्चित अवधि हेतु क्षेत्र आधारित 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु उनके सम्मुख परिषदीय विद्यालय की धरातलीय समस्याओं से रूबरू होना तथा उनके निदान हेतु तैयार होना है। 4 सेमेस्टरों में विभेदित डीएलएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक सेमेस्टर में 30 कार्य दिवस की अवधि हेतु प्रशिक्षुओं के इंटर्नशिप की व्यवस्था निर्धारित है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु विद्यालयों का पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण प्राप्त कर सके। तदक्रम में जनपद मथुरा में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी डीएलएड संस्थान से बीटीसी कर रहे या प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षु बैच 2017-2018-2019 प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर प्रशिक्षुओं का एक एक माह का इंटर्नशिप, 30 दिवसीय जो इंटर्नशिप है वो आप देख सकते हैं जनपद मथुरा में संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक सम्मिलित विद्यालयों में संपादित होना है। उक्त प्रशिक्षण निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 चरणों में संपन्न होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये सब आपके कॉलेज के लोग करते हैं। आपको सिर्फ ये जो पॉइंट नंबर 6 लिखा है, संबंधित प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक प्रसिद्धि विद्यालय द्वारा कार्यभार ग्रहण कराना। जब आपको पूरा आपने स्कूल चूज कर लिया, जो भी स्कूल आपने चूज किया, उस स्कूल का आपको जो पूरा प्रोफार्मा मिलेगा उसको लेकर के आपको उस विद्यालय में जाना है जहां पर आपकी इंटर्नशिप लगी है। वहां के जो प्रधानाध्यापक होंगे या जो प्रभारी प्रधानाध्यापक होंगे वो आपको ज्वाइन करा लेंगे स्कूल में 30 कार्य दिवस के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, प्रथम चरण की समय सारणी और द्वितीय चरण की समय सारणी है। दोस्तों, जितने भी प्रशिक्षु मथुरा के हैं, जो भी निजी डीएलएड संस्थानों से हैं या फिर डायट से हैं, वो लोग हमें जरूर बताएं कि क्या आप लोग की थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है। अगर थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई है तो फोर्थ सेमेस्टर की जो इंटर्नशिप है आप लोगों की, वो दिनांक 1 जुलाई 2021 से 3 जुलाई 2021 के बीच में ही लगेगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 1 जुलाई से आप लोगों की इंटर्नशिप लगेगी फोर्थ सेमेस्टर की, अगर आप सभी प्रशिक्षु थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये दोस्तों स्पेशली केवल मथुरा के प्रशिक्षुओं के लिए अभी ये लेटर आया है और किसी भी डायट की तरफ से या किसी भी जिले में अभी और इस तरीके का लेटर नहीं आया है, क्योंकि अभी थर्ड सेमेस्टर की इंटर्नशिप चली रही है। मैक्सिमम प्रशिक्षु इंटर्नशिप कर रहे हैं, सबका कंप्लीट नहीं हुआ है। आप में से मैक्सिमम प्रशिक्षुओं के माध्यम से
ही मुझे ये जानकारी मिली थी कि अभी बहुत जगह प्रशिक्षण अभी चल रहा है, गतिमान है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और दोस्तों अभी थर्ड सेमेस्टर का इंटर्नशिप, इसके बाद थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम, फिर कहीं फोर्थ सेमेस्टर में आप जाओगे फिर उसका इंटर्नशिप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मथुरा की तरफ से ये जारी किया गया है, तो मथुरा के प्रशिक्षु उम्मीद करती हूँ अधिक से अधिक लोग कमेंट करके बताएंगे और इस खबर की पुष्टि करेंगे। दोस्तों यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं हमारे चैनल से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। हमने हर एक विषय को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, हर एक विषय के आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, पिछले वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सब सॉल्व करवाए हैं। सभी विषयों के राजन सीरीज मैंने पढ़ा दिए हैं, पवन सीरीज पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार मैं सभी विषयों के लेकर के आ रही हूँ, तो आप लोगों की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके इसके लिए मैंने पूरी कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग चैनल से ऐसे बने रहेंगे और उस वीडियो को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक पहुंचाएंगे, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षु कमेंट बॉक्स में कमेंट करके स्पष्ट बता पाए कि रियलिटी क्या है, क्या ये खबर सही है। दोस्तों आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि ये खबर तो बिल्कुल सही है दोस्तों। उसका रीजन भी ये 30 मार्च 2021 को जारी किया गया है और ये डायट मथुरा की तरफ से जारी किया गया है, ये तो बिल्कुल सही न्यूज है। लेकिन अब वहां के प्रशिक्षु बता पाएंगे कि धरातल पर इस पर कार्य हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो अधिक से अधिक प्रशिक्षु जरूर इस पर कमेंट करें। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।